ज़्यादा अगर आप पिए इसे तो बेहतर रहेगा, तो इस वजह से मेरे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। यार बहुत दिनों के बाद क्या ना आया है मेरे व्लॉग में। और अभी सीन कुछ ऐसे है कि मुझे जाना है हज़ारा टाउन दो दिन या फिर तीन दिन के लिए, फिर जब वापस मरियाब आता हूँ यार आप लोगों को ऐसा सरप्राइज़ दे दूँगा कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो बहुत सवालों के जवाब दिए, मतलब बहुत ही मतलब आई कॉन्ट एक्सप्लेन सिंपली। तो अभी सीन कुछ ऐसे है कि सलमान भाई वेट कर रहा है मेरा, अभी जल्दी से जाना है। फिर मतलब लोगों को भी बताना है कि मैं जा रहा हूँ हज़ारा टाउन दो तीन या फिर तीन दिन के लिए, क्योंकि स्टूडियो में बहुत ज़्यादा काम है। तो इसके साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ख्याल मारा तुम दोनों दिखा, बस बड़ा एक से चार रोज के बस बस बखैर मिलाऊ, आता भी नहीं इसे। आप लोग सुन ले, क्यों कहे क्यों वो पैसे कत फोक मुबारा कत बर्फ मुबारा। यार अभी अपने लिए एक ट्राउज़र ले लूँ स्टार स्पोर्ट्सवेयर से, जो कि बिल्कुल अलमदार रोड पे वाक़ है और अलमदार बेकरी से नीचे। सलमान गया है अंदर। अस्सलाम वालेकुम। यार अभी आया हो स्टार स्पोर्ट्स वेयर में, यहाँ से अपने लिए ट्राउज़र ले लूँ क्योंकि दो तीन दिन वहाँ पे हज़ार टाउन में ही रुकूँगा, तो इस वजह से अपने लिए यहाँ से लेके जाऊँगा। यार देख लूँगा एक पसंद कर लो अपने लिए। तो रमेश अगर इशरफ फुल प्लेन अगर बशक बोलने लाइनिंग फुल प्लेन अगर बस सही है। यार एक और ट्राउजर दिखाए लोगों को कि ये भी ट्राई कर लिया, फिर देख ले। यार ये फाइनल हो गया, फाइनल सही है। यार अभी आया हूँ सलमान के घर के पास। सलमान ने कुछ सालन वगैरह लेना है, मुझे नहीं कहा था कि मैं भी घर से लेता, घर वालों ने आज भिंडी पकाई है तो कोई बात नहीं, जो सलमान लेगा मेहदी ने ले लिया है, दोपहर का खाना उसी से ही खाएंगे। लेट कमर्स। यार इसे सामान भाई ला रहा है, पता नहीं कराची जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जा रही लाहौर पैदल सर रेलगाड़ी ब्लू बैंड आलू। यार आप लोग देख सकते हो हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक। अपने फॉर्च्यूनर को दिया था कि जाकर कार वॉश में दे दो, मगर इसने रोड पे ही निकाला। यार बहुत ही बुरी बात। यार पुलिस वालों को पता था कि इधर लोग आ रहे, तो जैसे पूरा रोड खाली है, सिर्फ और सिर्फ बाइक वाले को ही छोड़ा है। सल्लू यार स्टूडियो पहुंच गए तो सबसे पहले खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर काम वगैरह स्टार्ट करेंगे। यार सलमान ने भी घर से कुछ खाना लाया। सलाम अलैकुम। बखैर मेहदी ने भी, और अभी यहाँ से थोड़ा बहुत कौरमा सब्जी भी लेंगे। दूध का कौरमा सब्जी का खा लिया। चावल ना ना चावल जी खाली में जा रहा है।
दो कौरमा सब्जी और एक चावल। ऑर्डर भी डन हो गया और अभी जा रहे हैं जगह पिखरा में थोड़ा बहुत मेहदी को, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। हम लोग पहुंच गए अली स्टूडियो और अली भाई ने हम लोगों के लिए बिग एप्पल और साथ में तुरतुरे बिग एप्पल। आप इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में फिर इसे देखोगे डांस करते हुए। फाइनली खाना खाएंगे यार, आप लोगों से मिलूंगा खाना खाने के बाद। जब हम लोग लाहौर से वापस आ रहे थे कोयटा की तरफ, तो मेरा मोबाइल का चार्ज बिल्कुल हो गया था ख़त्म। मैंने कंडक्टर को कहा यार इसे चार्ज पे लगा वहाँ पे डैशबोर्ड पे, तो कंडक्टर ने मुझे कहा मोबाइल भी दे दो साथ। मैंने कहा यार आप तो लगाओ एक बार, मैंने उसे पहले नहीं बताया था कि चार्जर लंबा है मेरा, तो उसने कहा सही है जैसा आपको। फिर उसने मतलब ये वहाँ पे लगा दिया, फिर जूही खींच रहा था वो, मैं भी तार छोड़ रहा था। जब वहाँ पे पहुँच गया चार्जर मेरे पास अभी भी बाकी रह गया था। कंडक्टर बिल्कुल हैरान यार, फिर मुझसे पूछने लगा यार हैदर भाई नहीं, मतलब मुझे नहीं जानता था। उसने मुझे कहा यार भाई ये चार्जर कहाँ से लिया है आपने। मैंने कहा यार वालिद साहब ने भेजा है मेरे लिए, कसम से यार बहुत ही लंबा चार्जर, बहुत ही ओरिजिनल है, मतलब फास्ट चार्जिंग भी है, सर्दियों में ये बहुत ही काम आता है। 3 hours later यार हम लोग बैठ कर स्टूडियो में ब्लॉग कह रहा हूँ वीडियो एडिट कर रहे थे और टाइम गुजरा पता ही नहीं चला, टाइम हो गया है 10:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। दुआ करो कि यार कोई होटल खुला हुआ हो, वरना आज रात भुखाई सोना पड़ेगा, क्योंकि हज़ार टाउन में आजकल दुकान वगैरह होटल वगैरह सब कुछ बहुत ही जल्दी बंद होते हैं, क्योंकि मतलब रीज़न तो आप लोगों को पता है कि क्यों बंद हो रहे हैं जल्दी, तो लेट्स सी कोई होटल खुला हुआ होगा या नहीं, लेट्स गो। यार हम लोगों को पता नहीं कि हज़ार टाउन में कहाँ पे मतलब बर्गर अच्छा मिलता है, तो इस वजह से भी हम लोग आए हैं दोस्त के पास, दोस्त से ही पूछेंगे कि बर्गर कहाँ पे मिलता है। ओहो अस्सलाम वालेकुम चला वाले अली भाई, खुद जान चुन जो रस्से ठीक हुआ अली भाई, बर्गर कुछ खूब सही मिला हूँ सर, बर्गर खा ले ना ना पाकिस्तानी पाकिस्तानी बर्गर कर नाम ना खोड़ देता बर्गर यार जिन लोगों ने KFC से MIT कॉम्बो खाया तो आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि मतलब मेदी कितना खाता है माशाल्लाह। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसने माशाल्लाह एक जिंगर MIT कॉम्बो और साथ में एक फ्राइज और साथ में एक चावल जो KFC से मिलता है सबके सब खा लिया, और साथ में मेरा भी थोड़ा बहुत फ्राइज ले लिया इसने। आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि मेरी कितना खाता है माशाल्लाह। यार मुझे बर्गर नहीं मिला, ढूंढते हम लोग पहुंच गए यहाँ से सूप लेने, तो अभी यहाँ से सूप लेंगे, सूप लेने के बाद फिर जाएंगे दोस्तों के साथ खाना खाएंगे। यार आप लोग देख सकते हो सूप भी हो गया ख़त्म, ज़्यादा अगर आप पिए इसे तो बेहतर रहेगा, तो इस वजह से मैं देख के अंदर से ही सूप पी रहा हूँ। यार आप लोगों ने भी ज़रूर आना है, मतलब जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उसका हाथ बचाए ताकि वो रिश्ते हलाल कमाई कर सके, तो आप लोगों ने भी ज़रूर आना है। यार हम लोग इन लोगों के लिए सूप लाने गए थे और आप लोग इसे देख सकते हो, आई मीन नो शिजान चुम बच्चे और सबर ना मैंने सर सबर ना कर दिन बर्गर रोल है अमुन जबोर पुरसान बर्गर रोल है सर। यार हमारे स्टूडियो में एक कंबल कम है, तो इस वजह से हम लोगों ने दो से एक कंबल ले लिया है, और मैंने इस हुडी के नीचे कुछ भी नहीं पहना, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था यार कि इतना सर्दी होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली सर्दी हो गई, इस वजह से मैंने अपने कंबल ओढ़ लिया। यार अभी हम लोग वापस जा रहे हैं स्टूडियो की तरफ, सर्दी कितना है आप लोग अंदाज़ा लगा लो।
यार इसी के साथ आज का व्लॉग यही पेंट कर देता हूँ। होप सो कि व्लॉग पसंद आए। खल्ला जब आ गया था स्टूडियो में तो भूल गया था कि व्लॉग को एंड करूँ, तो कोई बात नहीं, भी व्लॉग को एंड कर दूंगा, फिर नया व्लॉग स्टार्ट करूँगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों से प्यार करें, दुआओं में याद रखना। और आज का व्लॉग 1000 टाउन में एंड करूँगा और 1000 टाउन से ही स्टार्ट करूँगा। और आज नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाला है बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक दोस्त का मतलब केक है आज। जो लोग हज़ार हैं वो लोग बेहतर जानते हैं कि शिनखोरी के बाद दूल्हे के लिए केक लाया जाता है, और हम लोगों को भी इन्वाइट किया, अरूज फोटोशूट के मेम्बर को भी इन्वाइट किया। आज रात बहुत ही शुगर लगने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड।